देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। कोरोना वायरस को लेकर जहां सभी देशों में अलर्ट जारी है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पूरे भारत में मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों का दौरा भी लगातार जारी है। इस दौरे को लेकर बिजनौर जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोरोना वायरस के आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया। जायजा लेने के साथ साथ प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं संबंधित डॉक्टरों से बातचीत की और कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उनको तुरंत उपचार दिलाए जाने के लिए दिशा निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के आदेश पर सभी मंत्री और कैबिनेट मंत्री अपने अपने क्षेत्र का दौरा करके जिला अस्पताल में कोरोना वायरस से बचाव के लिए बने आइसोलेशन वार्ड का जायजा ले रहे हैं। जनपद बिजनौर में जो मुख्य चिकित्सालय है, उसका निरीक्षण करने के लिए विशेष रूप से जो कोरोना वायरस है उसके सस्पेक्टेड मरीजों की संभावना को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर यहाँ जिला चिकित्सालय में हमारे जिलाधिकारी CMO CMS इनके जो द्वारा जो तैयारी की गई है उसका निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष रूप से निर्देश है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों के अंदर जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनके हॉस्पिटल, उसके PSC CSC और प्राइवेट हॉस्पिटल भी और जो अन्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो भी, उन सब के अंदर भरपूर तैयारी हो और उन तैयारी के अंदर कोई भी सस्पेक्टेड कोई पेशेंट जो कोरोना वायरस से पीड़ित हो अगर वो आता है तो उसकी तत्काल जांच, तत्काल सारी सुविधाएं उसको करके बहुत गंभीरता के साथ को देखा जाए, करा जाए, सुना जाए और उससे उसको जो भी अधिक से अधिक उपचार उसको दे सकते हैं वो दिया जाए। और उसके लिए जो संभावनाएँ हैं फिर लखनऊ में, गोरखपुर के अंदर उसको टेस्टिंग वगैरह के लिए जाएगा। साथ साथ माने मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि किसी प्रकार की अफवाह में नहीं आना है, महामारी का इसको एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से इसको ये नाम दिया गया। लेकिन महामारी का मतलब ऐसा नहीं कि लोग मरना शुरू हो गए या लोग भयभीत हो जाएं, लोग घर से छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा इसका इस रूप में है कि सुरक्षित लोग रहें, सावधान रहें, अपने आप को संयमित तो नियंत्रित रखें, बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी ना हो और बड़े बड़े प्रोग्राम ना करें और जो ये सैनिटाइजेशन है इसका प्रयोग करें। इससे करें तो निश्चित रूप से सब लोगों का सहयोग होगा। तो ये कोरोना है, इससे हमको लड़ना है, लड़के इसको भगाना है, इससे डरना नहीं, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। उसी का निरीक्षण करने के लिए मैं हॉस्पिटल पहुँचाऊँ।